सुना है देखने को ये जहां बुलबुल मचलती है, सुना है इसके दर्पण में रागनी भी ढलती है, सुना है आसमां से इस तरफ रहमत बरसती है, सुना है आग भी आकर यहां शबनम उगलती है। चलो हम तुम यहां से गुजर के देखते हैं। खुल्दाबाद हिंदुस्तान के कुछ ऐतिहासिक शहरों में से एक शहर है जहां कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है। इतनी छोटी सी जगह में 1400 सूफी संतों के मजार हैं और दूसरी तरफ शाह और बादशाह भी इस जमीन में दफन हैं, जैसे औरंगजेब का बेटा आजम शाह और उसकी पत्नी आसिफ जा अव्वल, मलिक अंबर, ताना शाह और नासिर जंग। खुल्दाबाद महाराष्ट्र के मशहूर और तारीखी जिला औरंगाबाद का एक छोटा सा शहर है। ये औरंगाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए एरोप्लेन, ट्रेन, बस सब कुछ अवेलेबल है। करीबी हवाई अड्डा औरंगाबाद है जो खुल्दाबाद से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर है। करीबी रेलवे स्टेशन भी औरंगाबाद ही है। इस जगह की विशेषता सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह पे इतने सारे सूफी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, बल्कि दूसरी खास बात यह है कि ये सूफी न सिर्फ लोकप्रिय थे बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों और सियासतदानों ने भी इनके चरणों को आंखों से लगाया और इनकी खिदमत और सेवा में फख्र और शान महसूस की। और हद तो ये है कि मरने के बाद भी इन्हीं सूफियों के कदमों में सोना पसंद किया और अपनी कब्र इन्हीं के कदमों में बनाने की वसीयत कर डाली। फिलहाल इनमें से एक की चर्चा करेंगे और वो है औरंगजेब, मुगल खानदान का एक बड़ा नाम जिसका शासन काल मुगलिया दौर हुकूमत का सबसे लंबा माना जाता है, यानी 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी तकरीबन 50 साल। और बताएंगे कि आखिर कौन हैं वो सूफी और बुजुर्ग और क्या था खास उनमें जिनके कदमों और चरणों में औरंगजेब जैसे बादशाह ने अपनी कब्र बनाने की वसीयत कर डाली। खुल्दाबाद एलोरा से बस 4 किलोमीटर के फासले पर है। जब एलोरा जा रहे होंगे तो रास्ते से खुल्दाबाद की एक झलक जरूर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, खुल्दाबाद और एलोरा के बीच में एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर चढ़कर आप दोनों तरफ का नजारा देख सकते हैं। यही वजह है कि पहाड़ पर बनी ये मस्जिद एलोरा और खुल्दाबाद दोनों ही तरफ से दिखाई पड़ती है। इस पार सूफी तो उस पार संत, ऐसा ऐतिहासिक संगम
और इतने बड़े पैमाने पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। औरंगजेब ही वो बादशाह है जिसने खुल्दाबाद के चारों तरफ ऊंची दीवार खींचकर किसी किले की तरह इस जगह को इज्जत बख्शी और हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और किसी किले की तरह ही शहर में मुख्तलिफ समतों से दाखिल होने के लिए इन दीवारों में 7 बड़े बड़े दरवाजे बनवाए। पर न किले हमेशा रहने वाले हैं और न दरो दीवार। अब ये दरवाजे और दरो दीवार बस पुराने किस्से मालूम होते हैं, और सिर्फ यही नहीं, पूरा शहर एक ख्वाब सा मालूम पड़ता है। अलबत्ता उस कैनवस में जब नजरें इस जमाने के चलते फिरते इंसानों पर पड़ती हैं तो जैसे ख्वाब टूट जाता है और हकीकत की निगाहें पुकार उठती हैं, क्या दौर था, कैसे लोग थे। आइए अब बढ़ते हैं खुल्दाबाद में मौजूद औरंगजेब के मज़ार की तरफ। यहाँ से शुरू होता है खुल्दाबाद, और ये है खुल्दाबाद का मेन एंट्रेंस गेट। ये गेट नक्कारखाना भी हुआ करता था। घबराइए नहीं, मैं बताता हूँ नक्कारखाना क्या होता है। उस जमाने में नक्कारखाना वो जगह हुआ करती थी जहां से पब्लिक को वक्त और टाइम का अंदाजा होता था, यानी ये घड़ी का काम करते थे। और इस जगह की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए जब कोई अहम ऐलान भी करना होता था तो इस जगह का इस्तेमाल कर लिया जाता था। इस तरह के नक्कारखाने हर थोड़े थोड़े फासले पर और खास खास जगहों पर बनाए जाते थे। नक्कारखानों के लिए एक ऊंची जगह चुनी और बनाई जाती थी ताकि लोगों तक आवाज सही और साफ पहुंच सके। अभी भी खुल्दाबाद में सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर 3-3, 4-4 नक्कारखाने मौजूद हैं। ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह खुल्दाबाद के मेन गेट से कुछ ही दूरी पर एक और गेट नजर आता है। वहां से करीब करीब 1000 गज के फासले पर मेन सड़क से दाईं जानिब 50 कदम के फासले पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिस पर औरंगजेब के नाम का बोर्ड लगा है। यही वो बिल्डिंग है जो ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जिस दरगाह में औरंगजेब की कब्र मौजूद है। दरगाह के दोनों तरफ एक छोटा सा बाजार है जिसमें होटल और चाय खानों के अलावा कई दुकानें मौजूद हैं। और यहीं से लोग अपनी मोहब्बतों और अकीदतों के इजहार के लिए फूल और खुशबू भी खरीदते हैं। और एक खास बात जो हमने नोटिस की वो ये कि औरंगजेब की कब्र कोई नया आदमी मुश्किल से ही ढूंढ पाता है। इतना बड़ा बादशाह और सड़क पर कोई अच्छा सा एक बोर्ड तक नहीं जिसे देखकर आदमी खुद से औरंगजेब की कब्र तक पहुंच जाए। कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेंगे। इस मुकद्दस दरगाह में दाखिल होने से पहले और आप तक कुछ पहुंचाने से पहले यहां के खादिम
और सज्जादा नशीन को अपने साथ लिया है ताकि आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचे ऑथेंटिक हो। मेरा नाम मुजावर इकबाल अहमद, एक खादिम हूं मैं दरगाह शरीफ का। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद है ये। और यहाँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, औरंगज़ेब के फर्जन आज़म शाह की भी मज़ार है, और एक मस्जिद है। वो मस्जिद ऐसी है का जैसी डबल माले की मस्जिद है, और अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक भी है, जो मेराज की रात में अल्लाह के रसूल ने पहन के गए थे, वो जुब्बा मुबारक है। वो साल में एक बार ज़ियारत करते हैं। चलिए आपको अंदर बताते हैं। इस दरगाह की चौखट से ही किसी किले का गुमान होता है। अंदर दाखिल होते ही आपके सामने एक खुली जगह है। दो कदम की दूरी पर बाईं तरफ एक आर्क शेप का छोटा गेट दिखाई पड़ता है। इधर हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, ऊपर बोर्ड पर आपकी तारुफ लिखा हुआ है। ये आप सामने जो जाली देख रहे हैं, जो मज़ार मुबारक देख रहे हैं, हज़रत अबू मुजफ्फर मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह का मज़ार है। हुई ना हैरानी आपको देखकर, इतना बड़ा नाम और इतनी छोटी खबर। क्या है इसका राज, क्या है इसके पीछे कहानी? जबकि मुगल बादशाह तो दूर, वजीरों और शहर के छोटे छोटे रईसों की खबरें भी इससे कहीं बड़ी हुआ करती हैं। इस कब्र पे आने वाला हर आदमी कब्र और उसकी साइज को देखकर अंदर से हिल जाता है। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है जब उसको ये मालूम होता है कि यह साइज और इस जगह का सिलेक्शन औरंगजेब ने खुद किया। किधर एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह के मज़ार है। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये औरंगज़ेब इनकी तारीख से बहुत मुतासिर थे और इन्हें अपना पीरो मुर्शद माना था, और अपने वसीयत नामे में ये लिखे थे कि मैं कहीं भी मरूं तो मुझे इन्हीं के करीब में लाके दफनाना। यही वजह हुई जो अहमदनगर से इनकी नाश यहाँ लाके दफनाए हैं। और एक बार फिर हैरान होता है जब उसे बताया जाता है कि यहाँ संगमरमर से बना आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो निज़ाम सरकार का बनवाया हुआ है, वरना ये कब्र तो बिल्कुल मिट्टी पे बनी एक सादा कब्र थी एक आम आदमी की सी। कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड कजन निजाम फैमिली की दावत पर आया तो वो औरंगजेब की कब्र की सादगी देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लॉर्ड कजन ने निजाम को मशवरा दिया कि इस कब्र की खूबसूरती में जिस कदर हो इजाफा किया जाए। निजाम ने मुगलों के फेवरेट प्लेस मकराना के पत्थर से औरंगजेब की कब्र को खूबसूरती बख्शी। ये वही जगह है जहां के संगमरमर से ताजमहल और दूसरे कई महलों की तामीर की गई है। यहां संगमरमर से बना आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मकराना से करीब मारवाड़ के कारीगरों की ही कारीगरी है। ये जो संगमरमर की जाली और ये फर्श चबूतरा जो दिखाई दे रहा है, ये सन 1921 में लॉर्ड कर्जन वायसराय हिंद के रिक्वेस्ट करने पर निजाम हैदराबाद ने बनवाए है। आपको दिखाते हैं एक पुरानी पेंटिंग, तो पहले और अब की कब्र में फर्क समझ में आएगा। मिट्टी के कब्र और ऊपर खुला आसमान, पर अब कब्र के आसपास खड़े वो गार्ड या पहरेदार नहीं रहे जो आने वालों का इस तरह वेलकम करते थे जैसे वो औरंगजेब के पास मेहमान बन के आ रहे हों। इस पेंटिंग में ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है अब वो मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें इस कब्र को नुकसान पहुंचा रही थी। इससे पहले यहाँ एक सादी लकड़ी की जाली थी और कंक्रीट का ग्राउंड था। इस छोटी सी जगह को हासिल करने के लिए और अपने कफन दफन के लिए औरंगजेब ने उस पैसे को इस्तेमाल करने की वसीयत अपने बेटे आजम शाह को की कि जो पैसा कुरान लिखकर और टोपी सिलकर औरंगजेब ने कमाया था।
یہ زندگی میں ٹوپی سیتے تھے، قرآن شریف لکھتے تھے اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، تو مرتے وقت میں 350 روپے قرآن شریف کی لکھائی کے تھے اور 14 روپے 12 نے ٹوپی سینے کے تھے۔ تو آپ نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھے تھے کہ یہ جو قرآن شریف کی لکھائی کے پیسے ہے، یہ ہو سکتا ہے میرے سے کچھ اس میں غلطی ہو گئی ہوں گی، یہ پیسہ میرے کفن دفن کے لیے ناجائز ہوگا، لہٰذا یہ پیسہ فقیروں میں خیرات کر دینا، اور جو میری محنت کی کمائی ٹوپی سینے کی 14 روپے 12 نے ہیں، اسی میں میری آخری رسومات ادا کرنا، اور اگر اس میں کچھ کم و بیشی ہو جائے تو میرے بچے کی جائز کمائی میں سے اس میں پیسہ لگانا۔ اور یہ بھی کہا کہ قبر بالکل سادہ ہو، بادشاہوں جیسی نہ ہو بلکہ عام آدمی کی طرح ہو۔ اورنگزیب نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس کی قبر کے اوپر کوئی چھت ڈالی جائے۔ اورنگزیب بادشاہ کی یہ وصیت تھی کہ میری مزار کچی رکھنا، سبزے کا جھاڑ لگانا، سفید کپڑا چڑھانا، سفید اور سادہ غلاف چڑھانا، امیروں کے جیسا اس پر ریشم، مخمل یا زری کا کوئی غلاف قبر پر نہیں چڑھانا، اور اس کے اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں باندھنا، اس لیے اس کو اوپر سے کھلا رکھا گیا ہے۔ قبر کے تینوں طرف سے ماربل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں اور حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کی دیوار اس گھیرے کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ کچھ خاص موقعوں پر پھول اور چادر قبر کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ عام دنوں میں وہاں ایک سفید چادر ہی دکھائی پڑتی ہے۔ اورنگزیب کی قبر ایک اسٹون پلیٹ فارم کے بیچ میں ہے اور فلور کے پلیٹ فارم کی سطح صرف آدھا فٹ اونچی ہے۔ حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اورنگزیب قبر کے دیوار کی خوبصورت جالیوں کے پیچھے آپ کو حضرت خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار صاف دکھائی دے گا۔ یہ آپ سامنے جو گنبد شریف دیکھ رہے ہیں، یہ ہے خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد ہے، اس میں آپ کا مزار ہے، یہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 701 ہجری میں شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیراز ملک ایران کا بڑا اتہاسک اور ساہتک شہر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں حافظ شیرازی اور شیخ سعدی جیسے ودوان اور شاعر نے جنم لیا۔ خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جب 7 سال کے تھے تبھی شیراز سے مکہ اور مدینہ ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں مولانا کمال الدین سے تعلیم حاصل کی اور انہی کے ساتھ پھر دولت آباد آ گئے، جو خلد آباد سے لگ بھگ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 737 ہجری میں دولت آباد آ کر قاضی کے عہدے پہ رہے، کئی بار بادشاہوں سے بھی ٹھنی لیکن ہمیشہ حق و انصاف کا فیصلہ سنایا، چاہے وہ بادشاہ کی فیملی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی سچائی اور حق پرستی ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو متاثر کیا اور ان کے قدموں میں جھک جانے پر مجبور کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب اپنی زندگی میں ہی خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت 10 بار سے زیادہ کر چکا تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زندگی میں 13 بار زیارت کرے مزار پر۔ خواجہ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ 1370 عیسوی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔
کسی بھی عام آدمی کی قبر کی طرح آپ کی قبر کھلی اور سادہ تھی۔ آپ کے مریدوں نے بعد میں اسے پختہ بنانے کی کوشش کی، اور محمد بن تغلق جو خواجہ زین الدین شیرازی کا بڑا دل دادہ اور چاہنے والا تھا، اسے سنگ مرمر سے آراستہ کر دیا۔ اور یہ جو گنبد دکھ رہی ہے، یہ محمد بن تغلق ان کا مرید تھا، ان کا خاص تھا، ان نے یہ گنبد بنایا تھا۔ اس کو ہو گئے 650 سال ہو گئے یہ گنبد کو۔ اندر دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ہزاروں لوگ آج بھی یہاں آتے ہیں اور اس فضا میں کچھ لمحے یا کچھ پل گزار کر اپنی طاقت بھر روحانیت کے سوغات لے کر واپس ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈے کی شکل کی لڑی دیکھ رہے ہیں، یہ سالوں پرانی ہے اور یہ ترکی سے آئی ہے۔ جو یہ مزار پر دکھ رہے ہیں، شاہ مر کے انڈے ہے۔ ایک ترکی کا جاگیردار تھا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، یہاں آ کے انہوں نے منت مانا تھا، اس کو اولاد ہوئے بعد انہوں نے یہ افریقہ سے جا کے لایا، اور اس کے اندر کا گندا پانی نکال کے اس کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کو 500 سال ہو گئے، اور یہ انڈے جو ہے اس کو چاندی کی اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا، اس کے اندر کا گندا پانی نکال دیا گیا ہے۔ یہاں کی ہوا، فضا اور موسم کا حال کتابوں میں پڑھ کر بے اختیار زبان سے نکل پڑتا ہے۔ بے رنگ ہے گل کا بدن، ملتا نہیں عکس چمن، نہ اب وہ دور ہے باقی، نہ اب وہ آب رواں ہے باقی، مگر اس عیش رفتہ کا ایک دھندلا سا نشاں ہے باقی۔ دھندلا سا نشاں نہیں، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ یہاں کی ہوا اور فضا آج بھی ایسی ہے کہ جنت کا گما ہوتا ہے، آپ کو اے سی کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اس کے آس پاس آج بھی جنگل، پہاڑ اور پانی کے کئی ذخیرے موجود ہیں۔ تو جاتے جاتے اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس جگہ کو خلد آباد کیوں کہتے ہیں۔ خلد فارسی میں جنت کو کہتے ہیں، خلد آباد مطلب جہاں جنت آباد ہو۔ تو آپ آ رہے ہیں نا اس جنت کی سیر کرنے؟